फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा पूरी चाट। आज चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आज हम बना रहे हैं और यम्मी सी रेसिपी सबको पसंद आती है और फटाफट बनने वाली है, तो अभी हम देख लेते हैं। अभी हमने सफ़ेद मटर लिया है, इसे मैंने 6-7 घंटे तक भिगो कर रखे थे तो ये अच्छी तरह से डबल फूल गए इस तरह से। तो अभी इसका हम पानी निकाल लेते हैं और साथ में मैंने एक आलू लिया है मीडियम साइज़ का, इसका भी हम पानी निकाल लेते हैं। अभी हमने कुकर लिया है और जो मटर है इसे भी हमने धो लिया है, तो इसमें हम अभी डाल देते हैं इस तरह से। साथ में जो आलू लिया है इसे धो के हमने पीस बना दिए हैं। साथ में डाल रही हूँ एक टमाटर, इसका ऊपर का निकाल दिया है, इस तरह से हम डाल लेते हैं। हल्दी, नमक और इसमें हम पानी डाल लेते हैं। इसे हम इस तरह से मिला देते हैं और इसे हम कवर कर देते हैं। अभी चलते हैं गैस की तरफ। अभी इन्हें गैस पर हमने रख दिया है, अभी 3 विसल होने तक हम इसे हम पका लेते हैं। जाने के बाद हम बंद करेंगे और ठंडा हो जाने के बाद फिर मैं आपको वापस बताती हूँ। अभी कुकर जैसे ही ठंडा हो गया तो इस तरह से हमने निकाल दिया है, पर जो है तो आप देख रहे हैं इसकी स्टीम निकल रही है, तो ये मैशर की सहायता से हम इसे थोड़ा क्रश कर देते हैं इस तरह से लाइटली करेंगे। टमाटर हमने जो डाले हैं वो वैसे ही रखेंगे, उसका जो छिलका है वो ऐसे इस तरह से निकाल देंगे, छिलके की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमने थोड़ा सा मैश कर दिया है तो अभी चलते हैं हम गैस की तरफ। अभी हमने कढ़ाई रख दी है तो इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अभी इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, साथ में 1 सूखी लाल मिर्च, जीरा हमारा होना स्टार्ट हो गया तो इसमें डाल रहे हम हींग, इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 प्याज कटा हुआ, अभी इसे अभी हम थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और नमक। नमक हमने पहले भी डाला है तो संभल के डालना है इसमें। इसे हम चला लेते हैं, जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से भून लेते हैं। अभी मसाले की अच्छी तरह से खुशबू आ रही है तो इसी समय हमने जो मटर और आलू है वो डाल देते हैं। इसमें थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे। और इसे हम चला लेते हैं। और इसे हम अभी उबाल आने देते हैं। आपको जैसे भी गाढ़ा या पतला बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अभी इसे हम उबाल आने देते हैं। इसमें हमने 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी ली है इसे हम इस तरह से डालते हैं, इससे भी टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। इसे हम चला लेते हैं। अगर इसमें कुछ नमक या ऐसा कुछ कम होगा तो आप डाल सकते हो, जब तक उबलता है तब तक आप डाल दोगे तो टेस्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अभी उबाल आना स्टार्ट हो गया तो इसमें हम डाल रहे हैं धनिया, इसे भी हम चला लेते हैं। इसे हम कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए, लगभग 2 मिनट जैसे हो गए हैं कवर हटा देते हैं। हाँ, बढ़िया से खुशबू आ रही है, इसे हम चला लेते हैं।
इस तरह से, और ये ठंडा हो के और गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से। तो पहले हमें रगड़ा पूरी चाट बनाना है, तो पहले इसको ठंडा करने के लिए मैं एक बाउल में थोड़ा निकाल लेती हूँ और उसको दूसरे को ऐसे में ढक के रख लेती हूँ। मैं आपको रगड़ा चाट भी बताऊँगी और रगड़ा पूरी चाट दोनों बताऊँगी। तो इस तरह से मैं इसे पहले थोड़ा निकाल लेती हूँ, दूसरा ऐसे ही रखेंगे। पहले हम रगड़ा चाट बना लेते हैं, वो गरम गरम खाने में ही मज़ा है। पहले हमने रगड़ा डाल दिया है, उसके बाद हम डाल रहे हैं मुरमुरे, इससे भी बढ़िया से टेस्ट आती है। सेव, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, एकदम गजब की टेस्ट आती है इसकी। प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा धनिया। वाह मस्त, देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। अभी हमारा रगड़ा चाट टेढ़ी हो गया है, अभी हम बनाते हैं रगड़ा चाट पूरी। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े मुरमुरे, मैंने पूरी पहले से ही बना के रखी थी ताकि हमें बनाने में आसान हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे रगड़ा, रगड़ा को मैंने ठंडा कर लिया है, तो इस तरह से हम डालते हैं। अभी इस तरह सब इसमें हमने डाल दिया है, तो इसमें डाल रहे हैं सेव, सभी इसमें हम सेव डालेंगे। प्याज, टमाटर, एक एक पीस टमाटर का डालेंगे। अभी इसमें डाल रहे हैं हरी चटनी, मीठी चटनी, ऊपर से डालेंगे सेव। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। लीजिए हमारी रेसिपी मस्त रेडी हो गई, आप देख सकते कितने बढ़िया सी है, खाने का मन हो रहा है ना। साथ में हमने रगड़ा चाट भी बनाया, कितना बढ़िया सा है। तो इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और इस तरह से चाट जरूर बनाए, एकदम यम्मी से लगती है और सबको पसंद आएगी। इस तरह से ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और इस तरह से दोनों रेसिपी ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।